हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं न्यू चॉकलेट लेके आ गया हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारे चॉकलेट के अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अमूल की तरफ से आने वाला राजभोग कुल्फी लेके आ गया हूँ। तो इसकी टेस्ट के बारे में बताऊँगा, इसकी प्राइस के बारे में बताऊँगा, इसके नेट वेट के बारे में बताऊँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको इसे परचेज़ करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को जो है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ये चॉकलेट देखने में लगती है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि राजभोग कुल्फी लिखी गई है। तो ऊपर में अमूल आपको लिखा हुआ मिल जाता है और आपको यहाँ विजुलाइजेशन के लिए आइसक्रीम दिखाई गई जैसे पैकेट में, उसी तरह से आपको जो है अंदर में भी मिलेगी। और इसकी नेट वेट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसकी नेट वेट जो है 50 ग्राम रहती है। और अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो आप इंग्रेडिएंट भी इसमें देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 20 रुपीज़ इसकी प्राइस दी गई है और इधर के साइड में आपको जो है इंग्रेडिएंट मिल जाता है। और वैलिडिटी की बात करें तो 9 मंथ की जो है इसकी वैलिडिटी मिल जाती है और 60 ml आपको जो है मिल जाते हैं और 50 ग्राम मिल जाता है। और न्यूट्रिशनल आप देख सकते हो कि एनर्जी कितने आपको मिलते हैं, कितने सैचुरेटेड फैट मिलते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप इसे जो है पढ़ सकते हो। तो चलिए और मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस तरह से ये पैकेट दिखाई देती हैं। तो आई होप मैं सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दिया हूँ, तो आप इसे परचेज़ करके एक बार कंज्यूम ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट दे दी गई है, तो आप इसे जो है पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो चलिए अब बारी है पैकेट की फाड़ने की। तो चलिए इसके पैकेट को फाड़ेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि ये आइसक्रीम कैसी लगती है और इसका टेस्ट जो है कैसा लगता है। तो आप तैयार हो तो चलिए उसके पैकेट को मैं फाड़ता हूँ और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आइसक्रीम कैसी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कितने अच्छी तरीके से जो इसकी ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पर आप कुल्फी में आप देख सकते हो कि दूध के जैसे दिखाई दे रही है, कुछ इसमें जो है पिस्ता भी मिल जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसकी डंटी पे अमूल लिखी गई थी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि काजू भी इसके अंदर में आपको जो है मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं और आप लोग को बताते हैं कि इसका टेस्ट जो है कैसा लगता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं छोटा सा बाइट इसका लिया हूँ, तो ये खाने में जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है और इसमें हरे का फ्लेवर आता है, कोका का हो गया, मिल्क का हो गया, मीठा भी लगता है और पिस्ता, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक साथ ही मिलेगी, ठीक है। और खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगेगा और 20 रुपये में आपको मिल जाती है। तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये खाने में कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं एक न्यू चॉकलेट आइसक्रीम वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वाचिंग।